जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने गहलोत सरकार के सारे पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, मेरे कई साथियों के भारी चोटें आई हैं। आप मेरे कपड़े देख सकते हो, मेरी हालत देख सकते हो किस तरीके से। आखिर एक शिक्षा के मंदिर में पुलिस प्रशासन को घुसने की किसने अनुमति दी? आखिर अयोग्य कुलपति को ये हटा क्यों नहीं रहे हैं? इस शिक्षा के मंदिर में अव्यवस्थाओं का आलम है, कोर्सेज समय पर नहीं हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन हो रही है। और आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल के पास में जाएंगे तो कचरे का ढेर है, जिसमें आप पास में से निकल नहीं सकते, उसमें बदबू आती है। इस विश्वविद्यालय का बेड़ा कर करने का काम इस कुलपति ने किया है। हम कुलपति साहब छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है। पढ़ने वाले छात्रों पर इस तरह से निर्ममतापूर्वक लाठी आपकी पुलिस ने भांजी है, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। और आने वाले समय में हम झुकने वाले नहीं है, बड़े स्तर पर घेराव करेंगे। गहलोत साहब, आप अपने आप को गांधीवादी कहते हो, लेकिन आपकी गांधीवादिता क्या छात्रों पर लाठीचार्ज कराना है? क्या आपकी गांधीवादिता यह है कि पढ़ने वाले छात्रों को आप इस तरीके से निर्ममतापूर्वक पिटवाएंगे? आज आपकी पुलिस ने इन छात्रों के साथ में बहुत गलत किया है। आप इस राजस्थान के गृह मंत्री हो, जवाब आपसे ये छात्र चाहते हैं। इन छात्रों का कसूर क्या था? ये छात्र आपसे न्याय मांगने आए थे, कुलपति साहब आपने इन पर लाठियां बरसाई। ये बेरोजगार छात्र, ये आपके पढ़ने वाले छात्र यहाँ आपको माफ नहीं करेंगे। बीसी की जो योग्यताएं होनी चाहिए वो पूरी नहीं करते हैं, इनका कोर्ट में केस चल रहा है। तो ऐसी गहलोत सरकार की क्या मजबूरी है? कैसे हो कि आदमी जिसमें कोर्ट में केस चल रहे हो वो कोर्ट में बिजी रहते विश्वविद्यालय नहीं आते हैं? इसलिए छात्रों के साथ अन्याय होता है। अन्याय अगर छात्रों के साथ होगा तो विद्यार्थी परिषद कैसे बर्दाश्त करेगी? इसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं। और रही गहलोत सरकार की बात, गहलोत सरकार हमें मुगल काल का आभास करवाती है। मुगल काल में भी हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, यहाँ भी हिंदुओं की गर्दने काटी जाती, साधु संतों को अपने आप को आत्मदाह पे मजबूर हो जाते। शिक्षा उस समय भी नहीं थी, महिलाओं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, वो आज भी लूटी जाती थी। उस समय मंदिर तोड़े जाते थे, शिक्षा के मंदिर तोड़े जाते थे। गहलोत सरकार वो काम आज भी कर रही है। महाराजा कॉलेज जो हमारा शिक्षा का मंदिर, उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मरते दम तक अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा।